रब मनिया पैरों में बेड़िया बाहे पर मन कितने रह गया सानू एक पल चैन नया सानू एक पल चैन नया सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना हेलो भाई, मैं निखिल और आज मैं जा रहा हूँ सिवनी। और मैं आ गया था कल शाम को ही अपने घर पे और अभी जा रहे हैं हम दोनों सिवनी। इसके साथ जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या काम है और मुझे भी थोड़ा सा काम है, वो भी कर आएंगे अपन। देखो बिल्ली जा रही है और बाकी पानी तो इधर हल्का सा गिरा है, मतलब अच्छा गिर रहा है फिर भी ठीक है। तो सोयाबीन में थोड़ी सी दम आई है क्योंकि जितना गिरना चाहिए उतना तो गिरा नहीं अभी। बाकी ये देख लो रोड गीला है यहाँ पर भी, ये पानी भरा, ये तो इतना पानी गिर रहा है, आज सुबह से भी गिर रहा था, अब जाकर थोड़ा मौसम खुला है तो अब देखते हैं फिर अब कब आता है पानी। पानी तो वैसे गिर ही रहा है, दो दिन हो गए हैं। तो अब चलते हैं, और गाड़ी ले जा रहे हैं अपन बंटन होंडा की। तो भाई सिवनी तो हम आ गए बहुत देर के और हमने हमारा आधा काम कर लिया है और टाइम हो गया 3:45। तो अब हम वापस जा रहे हैं एक बार और, जो हमारा काम पेंडिंग रह गया था उसको करके आते हैं। साथ में लेना है तो अपने को केक, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो उसके लिए सुबह भाई अपने को केक दिलवा रहे हैं। यही बंदा ले रहा है केक दिलवाएगा और पता नहीं कुछ कोई पार्टी भी दे रहा है मुझे, तो देखते हैं क्या खिलाता पिलाता है। कितनी डबके चला रहा है भाई, तो ये देखो रोटा बेटर लेके कहाँ जा रहे हैं। अरे फ्रेश रोटा बेटर है नया महिंद्रा का। अब चलो देखते हैं ये कहाँ रोकता है, वहाँ पर मिलते हैं सीधे। बाकी अपनी शेड्यूल भी यहीं पे पड़ी है अभी पुरानी वाली, मैंने अब भी देखा उसको, रास्ते में आगे बताता हूँ भाई। ये पड़ी अपनी शेड्यूल देखो, ये देखो इसके पीछे, और अपनी शेड्यूल अभी तो उसके बाद देखते हैं मेरा कब मिलती है वो कब नहीं। तो भाई आप चल लिए घर के साइड, सीधे चलो सीधे। तो हमने सामान ले लिया, जलेबी ले ली और इधर ले लिया केक और इधर भी कुछ सामान टंगा है और हमने झोला नहीं लाया तो अब ऐसे ही जाना पड़ रहा है। देख लो एक झोला लेके चलना ही चाहिए। तो अब चलो घर साइड चलते हैं, फिर मिलते हैं आप घर पे सीधे। तो भाई आज है नेक्स्ट डे और कल हम आ गए थे रात को घर, उसके बाद अब आ गए अपन डॉक्टर पास। तो इसमें से देख लो जहाँ से PCR भी निकाल दी है और उसके बाद CT भी निकाल दी है ना, उसमें भी नहीं है किसी में भी नहीं है। तो CT तो मैंने दूसरे को दे दी थी, महिंद्रा में लगी थी जो, और बाकी PCR इसलिए निकाल ली क्योंकि अपन ने इसको लेकर आए थे रैली से तो वो बहुत तेज़ वाला भीड़ गया था तो उसको निकाल कर रख दी। और प्लस अपना उसमें दवाई दारू में भी चला तो बरसात में निकाल कर रख दिया, अभी लगाना उसको मेरे को ठीक नहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि ट्रैक्टर भी कहीं नहीं जा रहा, जाता है जब पानी में ही जाता है। तो अभी देखते हैं फिर इसमें, अभी धुल्ला भी बहुत ज़्यादा है हमारी देखो ये, क्योंकि ट्रैक्टर चल ही नहीं रहा और सीट कवर भी नहीं लगाया अभी मैंने। प्लस हम न्यूहॉलैंड पास, तो न्यूहॉलैंड भी धुला है, ट्राली भी धुली है, वो ट्रैक्टर भी धुला है। इसकी तो ट्राली उस दिन से निकली नहीं है जब से मैंने अंदर खड़ी करी थी। ये ट्रैक्टर तो चल ही रहा है खैर जब से ही, वो भी चल रहा है, वो तो अब शायद जब से धुआ के खड़ा है वो निकला नहीं क्योंकि ऐसा टायर से लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर ये बिल्ली कहाँ से आ गई, ये देखो जी छोटे छोटे बच्चे बिल्ली।
हाय कर दो। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे देखते थे, तीन थे कल लिए, अब तो दो ही बच्चे हैं। बाकी फिर ये गाड़ी, ये भी धोई है बिल्कुल, हाँ पूरी धोई है, ये भी हल्की सी भिड़ी हुई है, बाकी ये भी चमक रही है बिल्कुल सही। अब देखता हूँ इसको शाम के टाइम, इसमें मैं लगा दूँगा सीट कवर, प्लस इसको थोड़ा साफ सुफ करके अपने यहीं पर वापस खड़ा कर देंगे। फिर अपनी सीरियल भी जो कल देखी थी अपन ने सिवनी में, वो पुरानी वाली, वो भी हो गई है कम्प्लीट, तो उसको भी उठा के लाना। लेकिन अभी आज थोड़ा प्रोग्राम है गाँव में, मतलब अपनी साइड वाले स्कूल में, तो थोड़ा सा कल या परसों में लेके आ जाएंगे उसको भी। फिर अपनी नई वाली सीरियल जो आने वाली है उसको उठा के लाना है, लेकिन अभी वो आई नहीं है। लेकिन ये जो पुरानी वाली सीरियल है अपनी, ये बनके हो गई कंप्लीट। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।